दोस्तों, क्या आप अपने आप को हेल्दी और तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज योगा करते हैं, फिर भी आपको कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, या मसल पेन होने लगता है, या फिर हेडेक होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, यानी कोई ना कोई समस्या हो जाती है। दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कोई एक पेड़ है, अगर हम उसे हरा करना चाहते हैं, उसे बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा कि उसे खाद भी चाहिए, उसे छाया भी चाहिए, उसे धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए उस पेड़ को, यानी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तब वो बहुत अच्छे तरीके से फल सकता है, फूल सकता है। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर को हमने क्या किया, उसने सुबह सुबह क्या किया, योगा और एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन बाकी का सारा दिन हमने कुछ भी जो भी चाहा वो खा लिया, न्यूट्रिशन फुल डाइट नहीं ले रहे, हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई न्यूट्रिशन, कोई मिनरल्स नहीं है। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे एक पेड़ को जरूरत है सभी चीजों की, वैसे ही हमारी बॉडी को जरूरत है सभी चीजों की, ऐसे न्यूट्रिशन की, वो मिनरल्स की, जिसकी जरूरत से हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी पार्ट अच्छे से काम कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही चीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप सर्दी सर्दी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो सारी की सारी न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। वो चीज कौन सी है, वो है अलसी। अलसी को वेजिटेरियन फिश कहा जाता है। इसके अंदर विटामिन B1, प्रोटीन, तांबा, मैग्नीज, ओमेगा 3, इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारे रोगों को दूर कर सकती है। अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, जो कि बंद धमनियों को खोलने का काम करता है, यानी कि हमारी आर्टरीज जो होती हैं, हमारी धमनियां जो होती हैं, उनके अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तो ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है, ये बंद धमनियों को खोलता है, और अलसी के अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो रक्त के प्रवाह को बेहतर करता है, खून को जमने नहीं देता, पकने नहीं देता, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। ये रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अलसी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है ताकि आपको ज्यादा फायदे मिल सके, क्योंकि मोस्टली आजकल मैंने ये देखा है कि लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं चलता, यानी बहुत ऐसा हो जाता है कि हमें पचता नहीं है खाना। वैसे नॉर्मल खाना तो पचता जाता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं तो खाना पचना बंद हो जाता है, बाहर की ओर आता है या फिर अफारा रहता है। तो दोस्तों, ये अलसी का जो बाहर का कवर होता है ना, तो ये बहुत हार्ड होता है। जिनका भी डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक है, उनको अलसी का सेवन थोड़े अलग तरीके से करना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगी कि हर एक इंसान को वैसे ही करना चाहिए, ताकि आंतों को बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट फायदे की बात करें तो अलसी हमारी बॉडी में से वसा यानी फैट को दूर करने का काम करती है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल बढ़ती हुई उम्र के लक्षणों को कम करते हैं, जिससे त्वचा पर झुर्रियां नहीं आती, कसावट बनी रहती है, हमारी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहती है। इसके अलावा जो अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, वो आर्थराइटिस के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, जिनको भी हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या है, जोड़ों में दर्द रह रहा है, हड्डियों से कटकट की आवाज आ रही है, हड्डियों की तकलीफ के कारण उनको उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, तो अलसी का सेवन जरूर करें, तरीका भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, खून के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि आपको मधुमेह की समस्या हो चुकी है, तो दोस्तों आपने अलसी का सेवन रोजाना करना है, सर्दी सर्दी तो आप जरूर कीजिए। इसके अलावा अलसी जो है वो कैंसर की बीमारी से भी लड़ने में सहायक है। इसका रोजाना सेवन करने से खून में शर्करा की मात्रा कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है, जिसके कारण कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं हो सकती, अगर आपको ये समस्या नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने इसका सेवन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसका सेवन आपने कैसे करना है। वैसे तो कुछ लोग इसे एज इट इज ही बीज का बीज ही खा लेते हैं, लेकिन वो पचने में बहुत हैवी होता है, जिसका डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो इसे एज इट इज खा लें। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप हमेशा ही ऐसा बनाकर उसको खाएं ताकि वो बहुत जल्दी पच जाए। कारण उसके पीछे क्या है, जैसे कि हम यही प्रेफर करते हैं ना कि हमें ऐसी रोटी खानी चाहिए जो जल्दी से पच जाए,
हमें फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से पच जाए। तो अलसी को हम ऐसे क्यों खा रहे हैं कि वो हमारे धीरे धीरे पचे? तो अलसी को भी कुछ ऐसे ही बनाकर खाइए कि ताकि वो बहुत जल्दी पच जाए, हमारी आंतों का जोर नहीं लगे, हमारे लीवर की कार्य क्षमता है वो मजबूत ही बनी रहे। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो पचने में हैवी होगी तो लीवर को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने अलसी को हमेशा ही रोस्ट कर लेना है, बिना किसी घी बिना किसी नमक के हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए। जब उसमें से क्रक क्रक की आवाज आने लग जाए, वो चटक चटक सी आवाज आती है, तो उसके बाद आपने इसे किसी भी कटोरी में प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा कर लेना है, फ्रिज में नहीं नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आपने इसका पाउडर बनाना है और एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेना है। एक हफ्ते से ज्यादा इसका पाउडर बनाकर नहीं रखना और एयर टाइट कंटेनर के बिना भी इस पाउडर को नहीं रखना। तो रोजाना आपने इसका सेवन कैसे करना है? आप क्या करिए, एक चम्मच इस पाउडर में से ले लीजिए, एक गिलास दूध लीजिए और उसमें इस पाउडर को डालकर बॉईल कर लीजिए और उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसे पी सकते हैं। इसके अलावा आप इसे दही में मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर आप दही में मिक्स करके ले रहे हैं तो आप दोपहर के टाइम लीजिए, अगर आप दूध के साथ मिक्स करके ले रहे हैं तो आप रात के टाइम लीजिए या फिर नाश्ते से आधा घंटा पहले लीजिए। इसके अलावा आप शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं। शहद के साथ सेवन कर रहे हैं तो आप सुबह खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसके सारे फायदे ही हैं, लेकिन मैं आपको इसके नुकसान भी साथ में बता देती हूँ, क्योंकि अगर बिना नुकसान जाने आप इसका सेवन करेंगे तो ऐसा ना हो कि आपको इसके नुकसान भी हो जाए। तो दोस्तों इसके नुकसान क्या है? अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, कम से कम 3 साल 4 साल आपको हो चुके हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप अलसी का सेवन नहीं करें। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी खून को पतला करने के लिए दवाई खा रहे हैं और डॉक्टर ने धीरे धीरे आपकी दवाई की डोज भी बढ़ा दी होगी। तो अगर आप अलसी का सेवन कर रहे हैं तो अलसी का काम ही यही है, खून को पतला करना। तो खून को पतला करने के लिए आप अलसी खा रहे हैं, दवाई भी साथ में ले रहे हैं, तो ये आपके खून को ज्यादा पतला कर देगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपने अलसी का सेवन नहीं करना। हाँ एक चीज और है, लेकिन अगर आप को डायबिटीज की संभावना है कि मेरे को है या नहीं पता नहीं, तो आप अलसी का सेवन जरूर कीजिए, आपको कभी भी डायबिटीज की समस्या नहीं हो सकती। अगर नहीं है तब भी कर लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से अलसी का सेवन कीजिए। प्रेगनेंसी टाइम में आपने अलसी का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मदर फीड वाली लेडी है उन्होंने भी अलसी का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये पचने में भारी होती है, तासीर की गर्म तो होती है, लेकिन उन लेडीज ने इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों ये बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है अलसी के बारे में, अलसी के फायदों के बारे में, कैसे सेवन करना है, किस तरीके से लिया जाता है और इसके लिए सावधानियां कौन सी फॉलो करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।